हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉन स्टॉप ब्यूटी। अगर आपके स्किन पे बहुत ही पुरानी झाइयाँ हैं, आप अपने उनसे बहुत दिनों से परेशान हैं, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो आपने इस रेमेडी को ट्राई करने से आपकी स्किन पे जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे करके रिमूव होने लगेंगी। ये आपके डार्क स्पॉट्स को और झाइयों को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो आप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है एक मीडियम साइज़ के पोटैटो की। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया, उसे छिल के छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। पोटैटो में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे स्किन से दाग धब्बों को लाइट करता है और स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो लाता है और झाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। आपने भी पोटैटो को पेस्ट बना लेना है या फिर कद्दूकस करके इसे ले लेना है। अब हमें यहाँ पे इसका जूस निकाल के रेडी करना है। तो पोटैटो जूस को अलग करने के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे स्ट्रेनर की हेल्प से स्पून से दबा दबा कर इसका जूस निकाल के रेडी कर लूँगी। अगर आप कद्दूकस करके ले रहे हैं तो आप ऐसे ही करके इसे इसका जूस निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको कॉटन के कपड़े से निचोड़ के भी इसका जूस निकाल के रेडी कर सकते हैं। पोटैटो जूस को अगर आप चाहो तो अपनी स्किन पर डायरेक्ट बिल्कुल मतलब ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो बिना कुछ ऐड किए, तो भी ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जो ये हमने ग्राइंड किया हुआ पोटैटो लिया है, ये हमारे स्किन के लिए बेस्ट क्लींजर का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे पोटैटो जूस बना के रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं फेस पैक बनाने के लिए। तो फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चावल का आटा। आपने भी यहाँ पे बारीक पिसा हुआ चावल का आटा लेना है। चावल के आटे में वाइटन प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये हमारे स्किन से दाग धब्बों को लाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, झाइयों को भी रिमूव करता है। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे, वो है हनी। मैं यहाँ पे हाफ स्पून हनी का ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी हनी ऐड कर सकते हैं। हनी हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन को काफ़ी हद तक ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद हमें इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है, वो है लेमन का जूस। मैं यहाँ पर हाफ लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। अगर ये आपकी स्किन को सूट करता है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, और अगर नहीं सूट करता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। लेकिन लेमन विटामिन सी पाया जाता है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप इसे जरूर ऐड करें। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने पोटैटो जूस निकाल के रेडी किया था उसी की हेल्प से हमें यहाँ पे इसका स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। तो हमें इसे कैसे ऐड करना है, एक बार में ही नहीं ऐड करना है, हमें इसे थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। अगर आप इसे एक बार में ही ऐड करेंगे तो शायद ये जैसा चाहते हैं हम वैसा फेस पैक ना बन पाए, तो इसलिए हमें इसे ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है जिससे ये हमारा फेस पैक बनके अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा फेस पैक बनके रेडी हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ आपने इसे लगाना कैसे है। तो लगाने के लिए आपको अपने फेस को पहले बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेना है, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने फेस पे इसे एक फेस पैक की तरह अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब 15 से 20 मिनट पूरे हो जाए तो आपको अपने स्किन पे हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से स्क्रब करनी है। स्क्रब करते हुए आपको इसे वॉश कर लेना है नॉर्मल या सिंपल पानी से। स्क्रब आपको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने स्किन को नॉर्मल या सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने अपने स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और उससे आपको अपने स्किन पे अच्छे से मसाज कर लेनी है। आपको इस फेस पैक को वीक में 2 बार यूज़ करना है। अगर आप इसे 1 से 1.5 महीने तक रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी झाइयाँ धीरे धीरे करके रिमूव होने लगेंगी, स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आने लगेगा, आपकी स्किन स्पॉटलेस स्किन बनेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।